एम तो आर्टिस्ट बनी है, मेरे फादर बोलते थे क्या आर्टिस्ट बन के क्या। चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने इंजीनियरिंग में एजुकेशन ली, चलो वो भी नहीं लिया। फिर 2 साल एज ए इंजीनियर टाटा ग्रुप में जॉब भी किया, क्योंकि फर्स्ट सेशन में सीधा वो होता है कि, तो फादर ने बोला बेटा क्यों टेंशन कर, तो क्या करना चाहता क्या। मेरा शुरू से आर्टिस्ट बनने का इंटरेस्ट, कोई बात नहीं कर लो फाइन आर्ट। फिर मैंने फाइन आर्ट किया और 8 वर्ष तो मैं फाइन आर्ट की एजुकेशन नहीं ली थी, इससे पहले से ही कर रहा हूँ। और 1986 में दिल्ली दूरदर्शन की मेरे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जब फाइन आर्ट से तो मेरा लेवल था। तो आर्टिस्ट तो मैं शुरू से ही रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन इसलिए लिए ताकि अपने काम को सपोर्ट मिले। तो उसके बाद में फिर पहले तो मैं बहुत ही मॉडल फाइव काम करता था, हालांकि वो सीरीज का कोई भी काम यहाँ नहीं है। मैंने आपको दिखाया था उस पर क्या है कि इसमें इमोशंस, गुस्सा, रोते हुए, चिल्लाते हुए, जले हुए, कटे हुए, वो एग्री जो जजमेंट वाला होता है ना, जो तो उस वक्त हालात भी ऐसे थे, मेरी किसी से बनती नहीं थी, सारी टीचरों से मेरी फाइट रहती थी, किसी को सुनता नहीं था, अपनी चलाता था। तो इसके लिए मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस भी आते रहते थे, पार्टी लेटर ये, मैं ये बोलता था इलाम लेटर आ गया, क्योंकि शुरू से वैसे ही रहा, क्योंकि जो मुझे पसंद है मुझे वही करना है, ये स्टार्टिंग से रहा। और मेरे फादर मदर दोनों ने फुली सपोर्ट किया है, हमेशा हर कंडीशन में, चाहे मैं लाखों का मेटेरियल बर्बाद कर दूँ, इतना मेरे लिए कोई भी ट्रबल नहीं आती। बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत मेटेरियल बर्बाद किया है, और हमेशा मेरे फादर ने इंकरेज किया। और कभी जैसे मैंने फर्स्ट सोलो से किया था 2002 में, ताजमहल ताजर गली, पता नहीं अब है कि नहीं, तो सोलो किया था, सुपर फ्लॉप किया, ए भी काम नहीं किया था और बहुत टिकना भी अल्लाह था, लेकिन नो ट्रबल। वो तो मुझका से कोई बात नहीं बेटा, गलत टेंशन नहीं। तो फिर अब ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा लगता है ना, हर चीज़ का। तो मेरी सिस्टर एक तो गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, और भी रिलेटिव लोग हैं, तो अपने काम बांट के आए था कि चलो खाली अच्छा है, लेकिन परवाह नहीं थी क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आदमी इमोशनली टूट जाता है। तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन उस शो से ये फ़ायदा हुआ कि बड़े बड़े कलेक्टर जो हैं वर्ल्ड लेवल के, हाई लेवल के, उन्हें कनेक्शन में आए। उसके बाद दो तीन शो फिर कंटिन्यू हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता काम सेफ होने लगे और बड़े ब्रांड में जाने लगे। फिर 2004 में ललित कला अकेडमी में मेरा सोलो शो, तो फर्स्ट अनिल अंबानी ग्रुप के स्पोकपर्सन टोनी जबरदस्त से वो मेरे कॉन्टेक्ट में आए, फिर वहाँ से कलेक्शन शुरू होने लगा। और डिफरेंट तो उन्होंने डायरेक्ट भी लेवल में शुरू कर दिया और पैसे भी। तो ये शॉर्ट जर्नी है और अभी भी मैं काम कर ही रहा हूँ, और अभी मुझे इंटरनेशनल लेवल पर भी गैलरी सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर्ड करती है, इनवाइट करती है डिफरेंट पीपल, फेस्टिवल में पे करते हैं, अच्छा हैंडसम अमाउंट पे करते हैं। और बाकी तो आज के हालात आपको पता ही, सभी की एक ही जैसी है, लेकिन कभी भी हालात के आदमी को झुका नहीं, हो सकता है मैं झुक जाता अगर पेरेंट की सपोर्ट नहीं होती। और आज भी मेरी मदर है, फादर की तो डेथ हो गई है, वो इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है, कभी तकलीफ में आने नहीं देती। तो इमोशनल सपोर्ट भी हर आर्टिस्ट को बहुत जरूरी है, पेरेंट की। आर्टिस्ट दुनिया से लड़ जाएगा, अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता। तो मेरा ये मानना है कि हर आर्टिस्ट को अगर उसकी फैमिली इमोशनल सपोर्ट दे रही है, तो वो सब क्राइसिस को क्लियर कर देगा और आगे निकल जाएगा। तो बाकी तो आपके साथ नहीं है जमीन, तो बाकी आप किसी को कोई क्वेश्चन कर सकते हो। सर, आर्ट वर्क्स के बारे में आपके आर्ट वर्क्स के बारे में कैसे आपने अपने आप आर्ट को मॉडिफाई करते गए,
क्या जर्नी रही पर्टिकुलर आर्ट की? अब जैसे मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, जब मुझे आर्ट की नॉलेज नहीं थी तो मैं इमोशनल बेस काम करता था, जो भी फील करता था वो बना देता था। हालांकि कुछ काम लाने चाहिए जो कि नोटबुक में है स्कूल की, वो कटिंग करके मैंने फाइल बना के रखा, उसमें टेढ़े मेढ़े फेसेस और ये वो, तो समझ में नहीं आई क्या कीड़ा मकड़ा बनाया, लेकिन वो मेरे इमोशंस थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नेचर की तरफ, जैसे कि नेचर स्टडी काफ़ी करता था, एक तो मैं वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर, वाटर स्पोर्ट का एक्सपर्ट, डाइविंग की प्रैक्टिस, ब्रीथिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, तो इवन कोई जमुना पे डूब जाता था, फायर ब्रिगेड वाले पुलिस वाले मुझे हरास करते थे कि डेड बॉडी निकाल के ही आएगा। तो एक बार वो नेवी की वो प्रैक्टिस हो रही थी, नेवी का कलर है क्लाइंट, तो वो 50 या 60 का बैच आया था, तो 8-10 मीटर ले जाकर कहता स्विमिंग करके बाहर आओ, तो बाकी तो आगे 3 उसमें डूबने लगे, तो उनको भी सेव किया। तो अब एजुकेशन के बाद में हमेशा लापरवाह, क्लासें बंद करना, ये करना, वो करना, ये नेचुरल है, क्यों मेरा फोकस दूसरी तरफ रहता था, खेलने में, कूदने में, स्विमिंग करने में, स्पोर्ट्स में, तो पढ़ाई में कम ध्यान देता, लेकिन इसी तरह से पास हो गया इसी तरह से पास हो गया। तो स्टार्टिंग क्या होता है ना, कि वो आपको पहले ही बताया था, अंदर ही होती है, लेकिन समझ नहीं होती है ना कि कोई प्रॉपर गाइड करे। और इसका रीज़न ये है कि आर्ट को एज ए प्रोफेशन पुराने लोग इवन आज भी इसको एक शौक के तौर पे देखते हैं, प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखते। अब कुछ लोग प्रोफेशन के तौर पे देखने लगते हैं, लेकिन आज भी मेजोरिटी ऐसे ही लोग हैं कि जो उसे क्या करते हो, हाँ आर्टिस्ट को पेंटिंग बनाता, नहीं 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 पूछा तो आप क्या करते हो, तो आज भी जनरल प्रेशर है ना। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो गए लोग, तो पता लग रहा है यदि ये भी एक प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है एक लंबी जर्नी है, एकदम अचानक कुछ नहीं मिलता है। अगर आप अपने काम से लगे हुए हैं आज नहीं कल, कई लोगों को जल्दी मिल जाता है, कई लोगों को देर से मिलता है, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सही ट्रैक पे रनिंग करते हुए कपरवाह नहीं करना। कोई कमेंट करता है उसको पहाड़ में जाओ, अपने काम में मस्त रहो, वही आपको पहचान बनाएगी, वही आपको कुछ देगी। तो एक मेरी फीलिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब मेरे कुछ रिश्तेदार रिलेटिव लोग भी, मैं स्ट्रगल पीरियड में था, फोन करते थे अरे बाहर पान बीड़ी खोखे की दुकान खोल लो, कम से कम 2-4 हज़ार रुपये रोज का तो कमाओगे। तो ऐसे ऐसे मैंने सबको बर्दाश्त किया, अगर मदर फादर की सपोर्ट नहीं होती ना तो मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो वो सारी टोंटिंग डिप्रेशन वो होता है ना, तो टोंट मारेगा, तो बर्दाश्त करते हुए अब इस स्टेज पर कि अब सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मतलब कोई कुछ भी बोलते फर्क नहीं पड़ता, हंसते हुए जेल लेता हूँ। ये चीज़ सर, कितने साल प्रैक्टिस के बाद आपने अपना स्टाइल? मेरा क्या है, जैसे कोई भी चीज़ को लेके चलता हूँ तो कम से कम कंटिन्यू एक ही सीरीज़ को 5-6 साल देता हूँ, लेकिन ये सीरीज़ मेरी अभी भी चल रही है, सबसे ज़्यादा इसको छोड़ नहीं सकता कि डिमांड इसकी आ जाती है। अभी मेरे कलेक्टर का फोन आया, मैंने नए काम, नहीं तुम्हारी ओल्ड ब्रांड चाहिए, यही चाहिए, इसी स्टाइल का चाहिए। तो कई बार क्या आर्टिस्ट नहीं चाहता है ना, फिर भी वो मजबूर होता है, क्योंकि जो कलेक्टर जो है ना वो ब्रांड देते हैं। क्योंकि ये तो डिमांड आ गया आपकी, ये तो डिमांड आ गया, हाँ, कि आपको डिमांड पर आपको पेंटिंग वही करनी है जो आपकी डिमांड आ रही है, या आपका दिल कर रहा अंदर से करने का कि मैं इसी तरह की पेंटिंग करूं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि ये भी तो मेरा ही ब्रांड है, मेरा ही स्टाइल है, आप ही का अगर हाँ मेरा ही वो है तो मेरे को कोई ट्रबल नहीं है। अगर ये काम मेरा सेल हो रहा है, इसकी डिमांड आ रही है, तो मैं बना देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? सर, काम मैं ऑयल में किया करता हूँ, और
राजेश श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी जर्नी देखी है शुरू से लेकर आखिर तक। फिर इसी चीज़ को फिर मैंने डेवलप किया क्योंकि आयल की तो आप लॉकर टेक्निक इन्वेंट करते हो सर, बहुत जबरदस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है और हर कलर की साइकोलॉजी, हर ब्रांड की साइकोलॉजी वो सब मुझे पता है। इवन एक्रेलिक में भी हर ब्रांड कंपनी का अलग अलग साइकिल होती है, डब्ल्यू की अलग है, डेलावर की अलग है, उसकी अलग है। ये नहीं कि एक्रेलिक एक ब्रांड है तो सब का यूज़ एक जैसा, नहीं, वो एक्सपेरिमेंट से मुझे हासिल हुआ है और कैसे क्रैक एक्सपेक्ट डालना है, कैसे वो डालना है तो मुझे पता है। एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये फार्मूला यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा या ये ब्रांड के ऊपर ये ब्रांड, तो उसमें वो श्रिंकी के इफेक्ट या क्रैक इफेक्ट आ जाएगा। हालांकि आज मीडियम भी आते हैं ये इफेक्ट करने, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं विदाउट मीडियम वो निकाल देता हूँ चीज़ें, तो शायद उसके पीछे टेक्निकल बैकग्राउंड हो सकता है जो साइंटिफिक माइंड है, इंजीनियरिंग भी काम आती है उसमें। तो बाकी वही जर्नी चलते रहे, पहले हॉरर से मतलब ड्रामे फेसेस बनाते थे, उसके बाद में फिर मैं नेचर पे आया तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फाइन सुपर फाइन बहुत बारीक काम किया जाता है। आपका ये काम वो कोने में टका है? हाँ, वो पुरानी सीरीज का है, वो एक कुर्सी है फ्लावर के शेप में, तो ये भी एक स्टार्टिंग का है। जब वो एक टेक्निक डेवलप हो रही थी ना तो वो स्टार्टिंग का है, और जैसे ये जब टेक्निक डेवलप हो रही ना वो भी स्टार्टिंग का है, और डेवलप होते होते फिर ये इस लेवल पर है ये। तो आपके साथ साथ मेच्योरिटी आती है और आप उसको और एक्सप्लोर करते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन सा कलर कहाँ लगाना है, तो ये इफेक्ट आएगा। अब क्या है कि मैं आप बंद करके ना कलर शेड तैयार करके इसको घुमाऊँगा, मुझे पता है ये इफेक्ट आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, तो ये काम करते करते दिमाग में सारी चीज़ें फील हो जाती है और एक माइंड भी एक मशीन बन जाता है, माइंड एंड हैंड का हमारे कि कोई भी आर्टवर्क करने के लिए। आप सोचते हैं विजुअली तो आम आदमी बहुत सोचता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। आर्टिस्ट का तो यही पॉजिटिव पॉइंट है कि वो जो सोचता है सब भी देखता है तो वो पूरा कर पाता है। हाँ, तो आर्किटेक्ट का मैंने पूरी सीरीज तैयार की है, इवन एक सिर्फ प्योर आर्किटेक्ट का शो था, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट इंटरनेशनल शो था, तो उसमें मैंने आर्किटेक्चुरल काम डिस्कस किया था और जर्मन और यूरोपियन और दूसरे आर्किटेक्ट बहुत अप्रिशिएट किया था। इवन आज भी बहुत सारे आर्किटेक्ट ये पूछ रहे कि आपने आर्किटेक्ट की एजुकेशन किया, उनका नहीं, ये सारा इमेजिनेटिव और वो कुछ प्योर आर्किटेक्चर है जो कि बड़े साइज में भी है, कुछ तो डिफरेंट कलेक्टर के कलेक्शन में, कुछ मेरे पास भी सेम है, जैसे बचे हुए कामों में जैसे ये है और वो है आर्किटेक्चर, कुछ बड़े बड़े साइज क्यों मतलब फिर आपने अंदर से फील आता है ना, जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे आर्किटेक्ट ही करना है, पहले प्योर करता था आर्किटेक्चर, फिर अभी रिसेंटली 1.5-2 साल से आर्किटेक्ट के साथ में फिगर टेक्स करने लगे, ये भी तो आर्किटेक्चर में आता है ना, उसके साथ में आप इमोशंस भी आने लगे ना, इमोशंस भी आ रहे हैं तो ये जैसे यही वाला काम देख लो ये अभी ये रनिंग में, ये आंखों का एक्सप्रेशन देखो, एक इंतज़ार है किसी भी चीज़ का, और ये बंधन है, रुकावट है लाइफ, तो ये फेदर की फीलिंग है। हालांकि ये फीमेल को डिपेंड किया है लेकिन ये फीमेल नहीं है जो मैं हूँ, वो अलग बात है था कि आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शुरू से इमोशनल सपोर्ट, वैसे सपोर्ट, क्योंकि मैं दो सिस्टर मेरे से बड़ी, मेरे छोटा भाई है ना, अकेला इकलौता, तो सपोर्ट करके चला मतलब। हाँ हाँ, और छोटा था तो अपने के पीछे पीछे घूमता था इसी हर जगह। मैं तो आपको काम करते हुए देखता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि आप अपने आप ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करते हो लाइंस को। हाँ, इसी में
आर्किटेक्चर जो ड्राइंग्स है सबसे बेस्ट वाला आपकी लाइन जो है लाइंस को इसलिए एंजॉय करते हैं उसको एंजॉय कर तो काम करने में आपको मजा आता है हां मजा ये पीछे लाइन में लेडीज और उसमें क्या इमोशंस भी होते हैं हां 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 वो आए भी थे परेशान रहते हो जाकर देख कर आओ कि कैसे ब्लेंड होता है रिसेंटली जो मैंने प्योर आर्किटेक्ट क्योंकि इस तरह का जो लाइन आप करते हैं एक और आर्टिस्ट को मैंने देखा है इसी घड़ी पे काम करते सुमन नाम सुमन के लाइन जबरदस्त और वो उसी तरह से जिस तरह से आप लाइन करके फिर उसको मर्ज करते हो वो भी उसी तरह से मर्ज करते हैं अच्छा लेकिन उनका टेक्निक अलग होता है वही आप ब्रश को काट करके फिर ब्रश से करते हो और ये मतलब कि ब्रश से ड्राइंग मैंने ड्राइंग मैंने नहीं देखा है और मैं भी यही सोचती थी कि मेरा काम कभी कोई गैलरी नहीं लेगी और मैं करती गई और सर अब ऐसा है कि मेरे काम कुछ लोग खरीद रहे हैं और एक अच्छी गैलरी है बट तो मैंने वो चीज़ मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा कि तुम इसमें कुछ फूल ऐड कर दो या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालो जो थोड़ा सा कमर्शियल हो बट मैंने नहीं सुना मतलब मैं अपना क्योंकि आज के डेट में ना मैं अपने पीरियड की बात करता रहा 90s की बात करता रहा है ना अभी तो हर काम एक्सेप्ट होता है आप कुछ भी करो आपके अपने ब्रांड होते हैं एक्सेप्ट हो गए तो उस पीरियड की बात बता रहा हूँ उस पीरियड में स्ट्रगल बहुत लंबा था एक्सपोजर बहुत लंबा था गिनी जुनी तो कहती है भाजी जी को पता ही नहीं कोई सपोर्ट नहीं थी आज तो इंटरनेशनल मार्केट है पूरी दुनिया खुली हुई है ये नहीं पसंद है तो आप लोग सैकड़ों हजारों हजारों लाखों कैलरी है दूसरी बात क्या करोगे क्योंकि जैसे सुंदर के जो काम और भी वो दूसरे ये है कि अगर मैं ब्यूटी की तरफ भी आया ना तो उसने भी ब्रांड है इसलिए पहले मिली अगर मैं कॉपी करता तो नहीं मिलती सीरीज का काम रिसेंटली 22 यानी 2020 का ऑप्शन हुआ है तो उसमें एक यूनिकनेस है इसलिए तो यूरोपियन अमेरिकन फ्रेंच जर्मन लाइक करते हैं ना क्योंकि काम में ओरिजिनलिटी है अगर ओरिजिनलिटी लेंगे तो आपके कोई वैल्यू नहीं है ना आप अपना कोई ब्रांड बना सकते हैं ना कोई आपके पास इन्वेस्टर आएगा आपको वो बस फॉलोवर ही बोलेगा ये तो इसकी इन्फ्लुएंस हो गई इसको हालांकि मेरा ओरिजिनल स्टाइल है लेकिन लोग नहीं बाहर आते यहाँ पे सीधा बोलते थे परमजीत सिंह की कॉपी रखती है इसलिए सारे कोई लेना देना नहीं मैं कुछ होते हैं कि वो जबरदस्ती का जबरदस्ती का सर अभी मैंने देखा था परमजीत सिंह को कहीं से भी नहीं है मैच कर देते हैं सर वो सेम जॉनर है लैंडस्केप और ऐसे बट सेम हां ट्रीटमेंट बहुत अलग है और अब जैसे वो रिजेंबल तो नहीं करते यूरोपियन लोग लेकिन ये बोलते हैं कि आपका काम ये टनर के जैसा है वो यूरोपियन आर्टिस्टों के नाम के नाम शुरू कर देते हैं जिन्होंने नीचे पे काम किया है उनकी टेक्निक अलग है उनका फॉर्मेट अलग है सब कुछ अलग है लेकिन आपको तो पता है ना आप के अंदर से जो है वो आप कर रहे हो चाहे वो ब्यूटी एजेंसी कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो वो आपकी अपनी ओरिजिनल चीज़ है अगर मैं रेफरेंस ले रही चल रहा तो फिर मेरा माइंड तो करेक्ट हो जाएगा ना आदत पड़ जाएगी मुझे दूसरी बात एक और कल धरता है लोगों के अंदर हर काम के पीछे रॉकेट साइंस होता है कुछ भी नहीं सबसे बड़ा मैं अपनी फिलोसफी बता रहा हूँ रॉकेट साइंस उसको इतना ज्यादा कहानी करते हैं कि भाई उससे आर्टिस्ट का जो एफर्ट है वो पैरेलली मतलब उसके नीचे आ जाए मतलब शब्द बहुत ऊपर हो जाए और काम बहुत नीचे हो आर्टिस्ट का ये काम नहीं है आर्टिस्ट का काम है बेसिकली काम करना उसके पीछे कहानी हो आर्किटेक्ट जाने क्या बनानी है क्या बनता है क्या सोचता है देखने वाला क्या उसको कहानी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है सुबह ही बात कर रहा था जैसे मेरी बात
कि आपके लिए मैं क्वेश्चन सजा कर रखूंगा। ये क्या तो हमने कहा कि ये जिसके मन में जाए मुझे भी जैसे मान लो ये काम ये शुरू किया है ना, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, मुझे ये बनाना है तो मैं बस बनाना शुरू कर देता हूँ, एक कहाँ ऐड करना है कहाँ हटाना है कहाँ करना है, ऑटोमेटिकली आर्ट पर क्रिएट इंटरव्यू है, आप भी देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। उनसे पूछा गया कि आप कैसे करते हो काम,